स्वागत है आप सभी का ईस्ट न्यूज़ पे। और इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बढ़ती जनसंख्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब फाइनल वार के मोड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए एक मसौदा तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार किया है राज्य के विधि आयोग ने। इस ड्राफ्ट में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कई सारे कड़े प्रावधान किए हैं। राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चा भी थी, और इस चर्चा के बीच यूपी के राज्य विधि आयोग ने एक 2021 ड्राफ्ट तैयार किया है, और इस ड्राफ्ट में कई कड़े प्रावधान भी किए गए हैं यूपी में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए। और इस ड्राफ्ट को अगस्त के महीने में यूपी सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कई कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। 2 से अधिक बच्चे के पैदा होने पर राज्य के पंचायत और लोकल चुनाव में हिस्सा लेने पर भी रोक लगाने का प्रावधान इस ड्राफ्ट में है। वहीं इस ड्राफ्ट में जो लोग 2 से अधिक बच्चे पैदा नहीं करते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने की बात की गई है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के दौरान प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिया जाएगा। वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उन्हें सस्ते होम लोन, बिजली और पानी के बिलों में कटौती, और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मुहैया करवाई जाएगी। ये सारी बातें इस ड्राफ्ट में लिखी हुई है। आपको यहाँ बता दें कि यूपी भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या करीब 22 करोड़ के आसपास है। इस पर अधिक जानकारी जी न्यूज़ से बात करते हुए यूपी विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल ने दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा, और स्पीच अगर किसी का कोई गर्भवती है महिला तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ हटाना होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें ये जो कानून है ये सभी जाति धर्म संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी विशेष जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा है, और ये जो कानून होगा ये प्रोत्साहनजनक ज़्यादा होगा, हतोत्साहक भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वो अपने परिवार को नियंत्रित ना करे। इसमें जबरन नसबंदी कराने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, नसबंदी स्वैच्छिक लोगों को करानी होगी। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।